हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले एसएल और ट्राइपॉड के बीच में कंपेयर। सो ये तो कंपेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों जिसका अलग अलग काम होता है। सो पहले मैं दिखाऊंगा, मैं एक नया ट्राइपॉड की खरीदा हूँ, सो उसे अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा दोनों के बीच में क्या क्या काम होता है। मेरे पास दो ही है, जो कि एक है ये एसएल। सो इसमें क्या होता है, ड्राॅइंग किया जा सकता है। इसमें ड्राॅइंग शीट रख के कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से मैं एक वार वाला ड्राइंग बना रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो वार के लिए आने वाला है, ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे तरीके से मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। सो इस तरीके से रख के और लॉक्स वगैरह सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो मेरा ट्राइपॉड है वो अभी सूट हो रहा है। सो इस वीडियो में कुछ दिखाने वाला आपको, किस तरह का मेरा ट्राइपॉड है, कितना महंगा है, किस तरह का है, सारी कुछ आपको बताऊंगा और एसएल किस तरह का है। सो आप देख रहे हो सुबोध मंडल, मैं हूं सुबोध मंडल। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले करते हैं हम इस ट्राइपॉड का अनबॉक्स, तो उसके बाद दिखाऊंगा एसएल और ट्राइपॉड के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या कुछ काम है उसका। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अभी हम करने वाले हैं इस ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग। सो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। सो फाइनली बाहर आ चुके हैं। सो देखते हैं इसके अंदर कैसा ट्राइपॉड है। ये कुछ बैग दे रखा है, सो इधर से ओपन करना है। सो इसके अंदर से निकल रहा है हमारा मेन ट्राइपॉड, जो कि डिजिटेक का है। सो कुछ इस टाइप सा है। सो बाहर निकलते हैं पैकेट से भी। सो कुछ इस टाइप का। सो देखिए, ये हमारा मेन ट्राइपॉड है। सो इसका स्पेसिफिकेशन आपको बता दूँ किस तरह से यह वर्क करता है। सो पहले देखिए कुछ इस तरीके से इसका कितना बड़ा साइज का है, देख लीजिए। देखिए इतना सा हाइट है, मेरे बराबर इससे ऊपर चला जाएगा, इतना सा हाइट हो जाएगा हाथ में, इतना सा हाइट हो जाएगा। सो किस तरह से दिखा दूँ आपको, देखिए अभी गाइस इस तरह का कुछ हाइट हुआ। को फीचर सिखा दूँ, पहले इसका जो लॉक है, देखिए गाइस ये लॉक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लॉक हो गया और ऊपर नहीं आएगा, ये बंद नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर। सो ये जो पार्ट है ना, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देखिए इसे पहले ऊपर करना पड़ेगा। सो इधर में तो इधर का साइड का जो लॉक है इसे ढीला करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये ऊपर आएगा, देखिए, ठीक है। और इधर उधर ये घूम सकता है, इधर इधर घूमेगा, ठीक है। और इसके साइड में ये जो लॉक है ना, इस लॉक का काम है, इसे थोड़ा ढीले करके इधर उधर भी कर सकते हो। मैं ड्राइंग का वीडियो करता हूँ, जब इसे ऊपर कर दूंगा तो इधर पे कैमरा मेरा मोबाइल रख जाएगा कुछ इस तरीके से, नीचे रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इधर में आ जाएगा। सो इसे इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे लॉक कर देता हूँ मैं। सो ये ऊपर नीचे इधर उधर नहीं घूमेगा, ठीक है, ये एक जगह पर लॉक हो गया। और ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो चीज़ है इधर सीधा है या नहीं, ये जो वाटर का बुलबुला है ये मिडिल पे रखना है। सो ये सीधा रहेगा, सीधा रख के इसे लॉक कर देना है कुछ इस टाइप से, लॉक हो गया। और ये इधर उधर भी नहीं होगा, इधर उधर भी नहीं होगा। सो इसके बाद ये फीचर्स देखिए, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये देखिए इससे कुछ इस तरीके से, कितना हाइट हो रहा है आप समझ सकते हो, कुछ इस तरीके से मेरा हाइट मेरा बराबर कुछ इस तरह का है। सो मेरे से कितना ऊपर जा रहा है देख सकते हैं आप। सो कुछ इस तरीके का हाइट होगा। सो इधर में लॉक है, सो इसे भी लॉक कर सकते हैं आप। लॉक करने के बाद इसे घुमा, इसे नीचे भी नहीं रह सकता, ठीक है, कुछ इस तरीके का हाइट हो गया। सो फिर से मैं दोबारा नीचे करता हूँ। ठीक है, सो इसे आप क्या कर सकते हैं, इधर का जो पार्ट है इससे भी ऊपर नीचे इस तरीके से किया जा सकता है। देखिए इधर उधर हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है, ये देखिए हर जगह पे ये घूम सकता है और इधर उधर भी हो सकता है। इधर उधर हो गया, इधर इधर हो गया, देखिए कितना पार्ट से। सो इसे लॉक कर देता हूँ मैं, इसे भी लॉक कर देता हूँ। आप सोचिए मेरा फ़ोन कैसे इसके अंदर लगेगा। सो फोन लगाने के लिए इधर पे आपको इस तरह का कुछ
माउंट चाहिए जो इसके ऊपर लगाना पड़ता है। तो इसे किस तरह से लगाना है, तो इसे प्रथम लॉक को फ्री करना है और इससे ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा करना है कुछ इस टाइप से। सीधा करने के बाद नीचे का जो ये लॉक करने का सिस्टम है ना, इसे क्या ना इस तरीके से इसे लॉक कर देना है, देखिए मतलब टाइट दे देना है पूरा अच्छे तरीके से। ये लॉक हो गया और फिर से इधर ले आना है और अच्छे तरीके से इसके अंदर घुसा देना है। देखिए इसे कुछ इस तरीके से, देखिए गाइस ये आ गया ना। सो कुछ इस तरीके से आपका ट्राइपॉड है मेरा जो कि इतना सा हाइट का ही। सो गाइस देख सकते हो कितना ऊपर है मेरा से। सो इतना सा हाइट पे इधर पे आपको मेरा कैमरा लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो बहुत अच्छा क्वालिटी का है जो कि मुझे 1000 पे मिल गया। ये लगभग 2015 रुपीज़ का मिलता है। सो मुझे ये 100 के मिल गया है जो कि जो सेल चल रहा था। सो माइक का अनबॉक्सिंग और ये ट्राईपॉड और ये जो माउंट, सो तीनों का अनबॉक्सिंग आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। अभी हम लोगों ने देख चुके होंगे कि किस तरह के ट्राइपॉड है मेरा जो नया ट्राइपॉड है। सो अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह का एजल है मेरा जो इस तरह जिसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करने आउटडोर वगैरह करने में आपको आपने देखा होगा किस तरह का है। सो गाइस अगर आपको मैथ्स में कुछ डाउट है तो आपका सबसे बढ़िया ऐप आ चुका है जो कि डाउट नोट्स ऐप का नेम है। उस ऐप को ओपन करने के बाद आपको जस्ट आपका मैथ्स का इस तरह का फोटोग्राफ क्लिक करना है और अच्छी तरीके से क्रॉप करने के बाद उसे सेंड कर दिया और कुछ ही सेकंड के अंदर आपके वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपर्ट का समझाया हुआ रहेगा। और उस ऐप डाउनलोड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जल्दी से डाउनलोड कीजिए। उससे बढ़िया ऐप मौका कभी नहीं मिलेगा, बहुत ही बढ़िया ऐप है। इससे फायदा उठाइए और मार्क्स ले आइए भर भर के। और इसके अलावा भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको व्हाट्सएप का फीचर्स भी मिल जाएगा। 8400400400 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी फोटोग्राफ सेंड कीजिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना मत भूलिएगा, बने रहिए इस वीडियो। सो इसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का है। सो इस पे भी सेम उसी टाइप का है, लंबाई उस तरह का ही होता है। देखिए गाइस इतना बड़ा है, सो मेरे से बहुत छोटा है कुछ इस तरह का है मेरा आईडी का बराबर। सो इधर पे ड्राइंग सीट रहेगा। सो इसका भी स्पेसिफिकेशन सेम ही है कुछ। सो गाइस ये हमारा स्टैंड कर दिया है सेम उसी सेम ट्राइपॉड की जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद आप जब ड्राइंग सीट इसके ऊपर रखोगे जितना भी बड़ा साइज का हो जाए ना, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। ये जो स्टैंड है ना इसके ऊपर रखना है कुछ इस टाइप से। और इधर पे पीछे एक लॉक है कुछ इस टाइप का, इसे ओपन करने के बाद ये नीचे आएगा और इसके बाद ये लॉक कर देना पड़ेगा। सो देखिए गाइस इस तरह का ये लॉक हो गया और इधर भी लॉक कर सकते हो कुछ इस तरह के। सो इस तरह का जितना भी बड़ा साइज हो इसके ऊपर रख के एसएल की आप ड्राइंग कर सकते हो और ये मेरा नया ट्राइपॉड से शूट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से मेरा वाटर कलर ड्राइंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, सो अभी इससे हम वाटर कलर ड्राइंग भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस आपको यही दिखाना था, कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। सो उम्मीद जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं सबसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।